नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और एक मुनाफे वाले स्टॉक के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो है अभी यूट्यूब में मेंबरशिप भी लाया है। अगर हमारे यहाँ से आप मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें भी जो है आपको अच्छा खासा स्पेशल बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा, और जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 29 रुपीज़ से मंथली, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ स्पेशल सर्विसेज या फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में अलग से जानना है तो, और अगर आप एक एंजल ब्रोकिंग से ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो भी अकाउंट ओपनिंग रहेगा वो ऑनलाइन हो जाएगा। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और 1 साल का जो AMC रहेगा एंजल ब्रोकिंग में वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। चलिए अभी बात शुरू करते हैं ONGC स्टॉक के बारे में। ONGC स्टॉक के बारे में इसके पहले भी हम लोगों ने करीबन 2 या 3 वीडियो बनाया था, उसमें जो भी आपको अपडेट दिया था सब एक्यूरेट हुआ है। और उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पे फिर से जो है एक बार बात करने वाले, क्योंकि स्टॉक में जो है तेजी बनता हुआ दिख रहा है। आज की रेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.74% के आसपास जो है स्टॉक में तेजी बनता हुआ दिख रहा है, और अमाउंट पे बात करते हैं तो 2.20 पैसा। यहाँ पे ओपन प्राइस की बात करते हैं 81 रुपीज़ में स्टॉक ओपन हुआ है। हाई प्राइस दिया है 85.50 पैसा एंड लो प्राइस दिया है 80.90 पैसा। स्टॉक ओपन होने के बाद करीबन 4 रुपया 4.5 रुपये का जो है मुनाफा दे चुका है हाई प्राइस में, तो अच्छा है कि इसमें जो है ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, मजबूती के साथ जो है स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और ओपन प्राइस और हाई प्राइस भी हम लोगों ने देख लिया। अभी यहाँ पे अगर 52 वीक का हाई प्राइस देखते हैं, 52 वीक का जो हाई प्राइस है 149.65 पैसे का है एंड 52 वीक का लो प्राइस है 50 रुपीज़ का। तो स्टॉक में अभी जैसा चल रहा है या फिर जैसा तेजी बनता हुआ दिख रहा है, हम लोग को लग रहा है स्टॉक में जो है बहुत ही जल्दी एक जो है अप ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है और इन्वेस्टर्स को मुनाफा में भी मिल सकता है। अगर अभी भी देखते हैं तो अभी भी जो है आपको मुनाफा मिल गया रहेगा अगर आपने स्टॉक लिया रहेगा 82 या 83 के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 डेज का बात करते हैं, 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस था 81.10 पैसा 25 अगस्त को, और 5 डेज के अंदर भी आपने स्टॉक लिया तो भी आपको 4 रुपया आराम से मुनाफा मिल गया रहेगा। 5 डेज के अंदर स्टॉक जो है एक हाई प्राइस भी दिया है, और वहाँ पर अगर बात हम लोग यहाँ पे आगे जाके एक दिन का जो अभी हम लोगों ने बताया आपको, स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ था 81 रुपीज़ में, और इसमें जो है गिरावट भी थोड़ा बहुत आया था स्टॉक में एक ही दिन में। आज का अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं उसके बाद स्टॉक में तेजी बनता हुआ दिख रहा है। 1 महीने के अंदर भी आप देखते तो 1 महीने के अंदर भी जो है स्टॉक में करीबन 78.30 पैसा चल रहा था स्टॉक 1 महीने के पहले, और अभी जो है 82, मतलब 1 महीने के अंदर भी आपको जो अच्छा खासा मुनाफा दिया है स्टॉक ने। ONGC के बारे में पहले जो हम लोगों ने वीडियोज बनाया था वहां पे जब स्टॉक का हम लोगों ने टारगेट प्राइस दिया था, मुनाफा हुआ था, तो आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है अभी फिलहाल सेल कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड आ सकता है। अब देखेंगे तो जो है 1 महीने के अंदर स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड भी आया था, करीबन 78 या 77 के आसपास जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बहुत दिन के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और उसमें कुछ अपडेट भी ONGC में जो अभी हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पे पूरा बने रहिए। ONGC जो अपडेट है ये अपडेट आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ONGC बोर्ड टू कंसीडर प्रपोजल टू राइज ₹45,000 करोड़ इन नेक्स्ट वीक। ये करीबन जो है 5-6 दिन पुराना अपडेट है, और यहाँ पे देख सकते हैं ONGC जो है अभी फंड रेजिंग का भी बातचीत चल रहा है, और उन लोग को शायद से अप्रूवल भी मिल जाएगा ONGC के बोर्ड ऑफ जो भी डायरेक्टर्स है, मेंबर्स है, जो इसको अप्रूवल देगा। तो अप्रूवल मिलने के बाद ONGC जो है फंड रेजिंग करेगा और उसमें जो है और तेजी आ सकता है। तो अभी यहाँ पे ONGC के बारे में अगर आप खरीदते हैं तो आराम से जो है आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है। जब भी हम लोगों ने रिसर्च किया ONGC स्टॉक का तो हम लोगों को देखने को मिला ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स है ONGC स्टॉक को लेके जो है हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बुलिश है, और बहुत लोग इसको खरीदना भी चाहते हैं। तो अभी अगर आप खरीदते हैं तो इसमें मुनाफा मिल सकता है। स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम है, 82-83 के आसपास ट्रेड हो रहा है अभी। तो आप अगर खरीदते हैं तो इसमें जो है एक टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा जो हम लोग इस वीडियो के जरिए आपको देंगे, जहां पे आपको मुनाफा मिल सकता है। यहां पे जो हम लोग ग्राफ दिखा रहे हैं आज का, इसका रीजन यही कि आज जो है स्टॉक में कितना तेजी आया है और एक जो है थोड़ा इसमें डाउन भी बना था स्टॉक में डाउन ट्रेंड, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे 1 महीने का भी हम लोगों ने अलग से एक ग्राफ में देखा है 1 महीने के अंदर स्टॉक में कितना जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। ONGC की अगर बात करते तो ONGC में हम लोग को पता है अगर आप ज्यादा इसमें एक 6-7 महीने का भी आप अगर आप ग्राफ देखते तो आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला था। एक अच्छा स्टॉक है ये, और मतलब अच्छा स्टॉक था एक्चुअली। अभी जो है स्टॉक में गिरावट के बाद स्टॉक का प्राइस जो है अगर देखते हैं आप 60-65 के आसपास चला गया था। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, आप उसमें अगर मैक्सिमम का भी जो है ग्राफ ला के देखते हैं तो ONGC का प्राइस जो है आपको करीबन 200-250 के आसपास देखने को मिलेगा। अभी ONGC का प्राइस 82-83 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मतलब स्टॉक जो है एकदम गिर चुका है। सेलिंग भी इसमें जितना होना है ONGC में हो चुका है,
बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है, तो अभी जो है इसमें मुनाफा आ सकता है। एनएससी का आप डेटा देखते हैं तो एनएससी में जो है करीबन 7 करोड़ के ऊपर जो है इसमें एक जो है ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 5.00 का अपने को फेस वैल्यू इसमें देखने को मिल रहा है। अभी जो बात आता है ONGC का फंड रेजिंग का, उसमें बताना चाहेंगे कि ये बात निकल के आ रहा है कि इट विल कंसिडर रेजिंग ऑफ फंड्स बाई वे ऑफ अवेलिंग बैंक लोन्स एंड और इशू ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स एनसीडीज एंड नोट्स इन डोमेस्टिक एंड इन और ओवरसीज मार्केट इंक्लूडिंग ड्रॉ डाउन अंडर यूरो मीडियम टर्म नोट। तो ये लोग जो है ONGC अभी अच्छा खासा जो है एक फंड रेजिंग करने का बातचीत चल रहा है। करीबन 35,000 करोड़ से लेकर 45,000 करोड़ तक ये लोग एक फंड रेजिंग करने का बात चल रहा है, और बोर्ड मीटिंग में भी इन लोगों का बताया गया है कि उसमें भी शायद इन लोगों को अप्रूवल मिल जाएगा। तो स्टॉक में देखिए, अभी अगर बात करते हैं स्टॉक में जो है एक तेज़ी आना बहुत मतलब लग रहा है हम लोग को, तेज़ी आएगा आराम से, क्योंकि स्टॉक में अभी जैसे अपडेट आ रहा है और स्टॉक का अभी जो मूवमेंट है अगर आप देखते हैं ज़्यादातर लोग जो है उसको लेके बुलिश भी है। तो अभी जैसा मूवमेंट चल रहा है स्टॉक में एक तेज़ी आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आज का बात करते हैं, बैंक निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिला है, करीबन 1200 अंक के आसपास जो है गिरावट देखने को मिला है। उसके चलते भी आप देख सकते हैं NGC में माफ़ कीजिए ONGC में जो है अप ट्रेंड बनता हुआ यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को। तो अभी यहाँ पर अगर आगे का हम लोग बात निकलते हैं, जैसे कि अभी आपको बता रहे थे 6 महीने के अंदर अगर आप ग्राफ देखते हैं, 6 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस जो है एक गिरावट भी देखने को मिला है। स्टॉक 89 रुपीज़ के आसपास चल रहा था 6 महीने पहले, और 89 रुपीज़ से स्टॉक जो है 60-65 के आसपास चला गया था, मतलब करीबन जो है 20-22 रुपया जो स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है 6 महीने पहले। अगर आप प्राइस देखते हैं 89.10 का जो है आपको एक प्राइस देखने को मिलेगा 6 महीना पहले, 89.10 रुपीज़ में एक स्टॉक आपको मिल रहा था। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है जो कि करीबन 60 या 62 के आसपास पहुँच गया, और 60 या 62 के पास पहुँचने के बाद स्टॉक में आहिस्ता 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 जो है हम लोग बोल सकते हैं मजबूती के साथ ट्रेड होना शुरू हो गया है। अगर 6 महीने का आप ग्राफ लगा के देखते तो आपको आराम से जो इसमें समझ में आ जाएगा कि स्टॉक एक तेजी बनता हुआ दिख रहा है। बीच बीच में स्टॉक जो एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ये स्टॉक में जो हम लोग एक स्टॉप लॉस रखना होता है, और अभी जो स्टॉप लॉस इसमें रखना है वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कितना हम लोग को एक स्टॉप लॉस रख के चलना है। वो करीबन आपको 78 या 79 के आसपास जो है आपको एक स्टॉप लॉस रखना है ONGC स्टॉक पे। स्टॉप लॉस इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हम लोग को देखने को मिला कि डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है स्टॉक में, इसलिए इसमें एक स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है देखिए, अगर टारगेट प्राइस आप देखते हैं, अगर आपको ये स्टॉक करीबन 82.50 तक मिल जाता है या फिर 83 के आसपास मिल जाता है तो आपको इसमें एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल जो हम लोग को लग रहा है ये स्टॉक में जो टारगेट प्राइस रहना चाहिए वो करीबन जो आपको इसमें आप इसमें रख सकते हैं, जैसे कि अभी करीबन 92 से लेकर 93 आप एक इसमें एक बार स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। अगर आपको लगता है स्टॉक में कुछ भी रिस्क नहीं लेना है तो आपको इसमें जो है स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 81 रुपीज़ का, एंड माफ कीजिए 80.50 पैसे का, एंड आपको इसमें जो है टारगेट प्राइस रखना पड़ेगा 89 रुपीज़ का। तो जहां पे अगर स्टॉक ज्यादा गिरावट भी होता है तो कुछ दिक्कत की बात नहीं, और आपको 89 रुपीज़ भी हिट होता है तो एक अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा, कम से कम 6 से 7 रुपया एक ही स्टॉक में आपको बन जाएगा जो कि ONGC है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट कर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।